इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो क्या होगा इसमें आइए देखिए, क्या है हमारे पास, एक प्लस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, आर डिस्टेंस पर हमारे पास फिर से वही एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है ए, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई ए। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट एक्स का पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पॉइंट एक्स के ऊपर पोटेंशियल पहले प्लस की वजह से देखते हैं कितना हो जाएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगे बेटा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, पॉइंट एक्स वी प्लस प्लस वी माइनस, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पॉइंट एक्स के ऊपर पोटेंशियल कितना मिला आपको जीरो। तो क्या ध्यान रखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा हमारे पास जीरो होगा, ठीक है।